सर सुपरमैन तो है नहीं हम जो टाइम पे ऑर्डर पहुंचा दें। वैसे भी इंडिया की रोडें, खासकर दिल्ली का ट्रैफिक। हाँ मैडम, ऑर्डर है आपका, जा रहा हूँ लेने के लिए। ये 10 मिनट के अंदर मुझे डिलीवर करना है और देखता हूँ मैं ये 10 मिनट में पहुँच पाता हूँ यहाँ पर। सॉरी सर, आपका खाना थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी और थैंक यू सो मच, एंजॉयिंग द फूड। लो ये देखना चाहोगे आप, ये देखो सर, ये देखो 51 रुपये में 8 किलोमीटर। ये सॉफ्टवेयर यूज करते करते हमारे को भी सॉफ्टवेयर जैसा ही समझ लिया। हम मेंटल प्रेशर में है, नाइट शिफ्ट है ना, अभी ऑर्डर मिल गया है खाने का। तो हम है सर डिलीवरी बॉय, हमें आपने कभी सड़कों पे, कभी रेस्टोरेंट पे, मेरा ऑर्डर तैयार है कि भाई, कभी किसी के घर के आगे, थैंक यू, कभी गली मोहल्लों में चलते हुए देखा होगा। पहला राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। वही हमें स्विगी के नाम से बुलाता है, कोई हमें जोमेटो के नाम से बुलाता है। रोड पे मरते भी रहते हैं हम, कंप्लेन करते भी रहते, कोई सुनवाई नहीं। 18-19 साल से 30 साल का है नॉर्मल एज ग्रुप इसमें, बाकी जो है थोड़ी ओल्ड एज के भी कर रहे हैं, उनका परसेंटेज कम है इसमें। वो जो है लेट हो जाता है तो कंपनी में भी कॉल लगा देते कि आपका राइडर जो है लेट आया। एक्चुअली 10 मिनट की डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, ये जो है कॉन्सेप्ट जो है जोमेटो का, ये चीज़ ठीक नहीं है। राइडर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा उसको जल्दी डिलीवर करने का। हाँ जी भैया, ऑर्डर है। सपोज करिए 2 किलोमीटर की भी डिलीवरी है, नॉर्मली 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। डिलीवरी फास्ट करने के चक्कर में राइडर की जान को खतरा है, इससे बहुत गलत चीज़ है। हमारे जो मैनेजर्स लेवल के लोग हैं वो एक दूसरे पे बात टालते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। कहने का मतलब करो या मरो, करो या मरो। ये देखिए पूरा सरिया लगा हुआ है मेरे पैर में और फिर भी मैं साइकिल से जो है मतलब राइड करता हूँ। ये 10 मिनट हमारे लिए क्या है, ना के बराबर है। एक्चुअली क्या है, इस प्रोफेशन को ना बहुत अच्छी तरीके से लोग जो है समझते नहीं है, रिस्पेक्ट कम करी जाती है इस प्रोफेशन में। सपोर्ट कस्टमर की तरफ से भी कम होता है, ये नहीं कि 2 फ्लोर उतर के आ जाए वो कहता है नहीं भैया 5th फ्लोर पे ही आओ, मैं नीचे आऊँगा नहीं, तो हमें जाना पड़ता है। अगर हम कभी कभार लेट हो जाते हैं, कस्टमर गलत व्यवहार करता है कभी कभार, तो हम लोगों को तो मारता है, ये फ़ोन भी छीन लेता है, कंपनी पे ओवर नहीं करती। रात में मैं 2:30-3 बजे तक भी चलता हूँ। तीन नोएडा का ही ऑर्डर लेके जा रहा था, 12:30-12 बजे की बात होगी, कस्टमर का कॉल आता है कि मेरे लिए सिगरेट लेके आना, हो सकता है जाने के बाद कैंसिल ना करा दे या हो सकता है कि रेटिंग ख़राब कर दें। इसके लिए ना हमें लेके जाना ही पड़ता, वो कुछ भी मंगा ले तो लेके जाना पड़ता है। मैंने डिलीवरी कब्रिस्तान के अंदर तक डिलीवरी देने गया, पिज्ज़ा था, एक लेडीज़ ने ऑर्डर दी थी अपने 2 बच्चों के साथ कब्रिस्तान के अंदर। डर के मारे मैं पूरा कांप रहा था, फिर भी मैं ऑर्डर देने गया, बट मैंने जब ऑर्डर दिया उसके बाद मुड़ के पीछे नहीं गया। ये डिलीवरी की लाइन जो है थोड़ा रिस्की है, बाइक चलाना है, काम है, कभी भी कुछ भी होता है, घर वाले भी इस चीज़ को राज़ी नहीं करते हैं, लेकिन वही था कि कमाने का और कोई जरिया नहीं था इसलिए उन्होंने अलाउ कर दिया इस चीज़ को। लेबर चीप है यहाँ पर, लेकिन इस प्रोफेशन में अभी 1-1.5 साल में आए हैं या फिर जो अभी भी रिसेंटली आ रहे हैं, तो कोविड इसका सबसे बड़ा कारण है कि किसी के बिजनेस थे, काम धंधे ठप पड़ गए, किसी की जॉब छूट गई, मौका मिले कि दूसरी लाइन में जाने का जो बेटर हो या इसके आसपास स्पेस खेल हो तो बिल्कुल स्किप करेगा उसको। सर कोई फिक्स इनकम नहीं है, कंपनी 350 रुपये पर डे की गारंटी देती है जिसके अंदर वो इतना काम करवा लेती है कि हमें हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। जब हम जॉब करने में लगे थे हमारा 60-70 रुपये का पेट्रोल आता था पर लीटर, आज 100 रुपये लीटर हो गया है और हमारी इनकम और ज़्यादा कम हो गई है। जितने भी राइडर हैं, स्विगी हो गया आपका, शेडोफैक्स हो गया, जोमेटो हो गया, तो मेन हम ही हैं जो पिस रहे हैं। वो लोग तो कंपटीशन में करते ही करते हैं, उसके साथ हमको भी वही करना पड़ रहा है। जो ऊपर काम कर रहे हैं सर, उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो नीचे ग्राउंड पे काम कर रहा है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा उनको। हमारा काम तो है पकड़ो, ले जाओ, दे दो, बस।
वही लोग तो सोचेंगे हमारे बारे में कि हाँ, वो नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा।